Well, hello, folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. With Mohammed Ansari, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी के जान के डे नंबर 11 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो का एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? Well, friends, finally, after 10 long days, सलमान खान किसी का भाई किसी की जान हैज एंटर्ड द 100 करोड़ क्लब। आज फर्स्ट में था, यानी कि कई जगहों पर महाराष्ट्र डे की जो छुट्टी थी एंड गाइज लेबर डे की भी छुट्टी थी, इसी का कारण है गाइज यहाँ पर कलेक्शन जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे से ज्यादा आए हैं। यस, संडे से ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था एटलीस्ट इसको सैटरडे जितने कलेक्शन जो है वो मैच करने चाहिए। सारी सारी चीज है आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली गाइज ये वीकेंड का हाल किस तरह से रहा। फ्राइडे 2.25 करोड़, सैटरडे 3.10 एंड संडे मेरा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 4 से 4.5 करोड़ कमाई करेगी एंड संडे से कलेक्शन जो है वो 4.25 करोड़ क्या है। द फिल्म टू का जंप ऑफ 40% एंड इसी के साथ इस फिल्म ने 10 डेज में इंडिया नेट कलेक्शन 101.81 करोड़ एंड गाइस इसी के साथ ये बन जाती है सलमान खान की 16th कंसेक्यूटिव फिल्म एज अ सोलो मेल लीड द हाईएस्ट फॉर एनी एक्टर। यस फ्रेंड्स, एक एक्टर द्वारा सोलो मेन लीड में आकर थिएट्रिकल 100 करोड़ कंसेक्यूटिवली देना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है वो दबंग से शुरू हुई, 138.88 करोड़, रेडी 119.78 करोड़, बॉडीगार्ड 148.86 करोड़, एक था टाइगर 198.78, दबंग 2 155, जय हो 116, किक 231.85 करोड़, बजरंगी भाईजान इंडिया नेट 320.34। यस, ये नेट कलेक्शंस है। प्रेम रतन धन पायो 210.16, सुल्तान 300.45, ट्यूबलाइट 119.26, टाइगर जिंदा 339.16, रेस 3 ऑलमोस्ट टचिंग 170 प्लस करोड़, भारत 211 करोड़, दबंग 3 150 प्लस करोड़ एंड नाउ किसी का भाई किसी की जान 100 प्लस करोड़। दिस इज एन इलस्ट्रियस करियर एंड करियर विच टेक्स अ लॉट ऑफ गेटिंग एट द बॉक्स ऑफिस। यस, बीच में अंतिम थी लेकिन वो सोलो फिल्म नहीं थी, राधे ओटीटी पर गई थी, लेकिन लीव ऑल दोस फिल्म्स असाइड द रिकॉर्ड ऑफ दिस मैन इज इम्पेकेबल। राइट फ्रॉम दबंग टू नाउ किसी का भाई किसी की जान, कंटिन्यूअसली 100 करोड़ प्लस देना बॉक्स ऑफिस पे आसान बात नहीं है। बहुत कम एक्टर्स है जिन्होंने लगातार इस तरह का बॉक्स ऑफिस रन देखा है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सलमान खान की जितनी फिल्म है, ऑब्वियसली टाइगर 3 को छोटा बच्चा भी बोलेगा कि 100 करोड़ तो मिनिमम जाएगी एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। सो गाइज 101.81 करोड़ इसका ग्रॉस होता है 121.81 करोड़, इसमें मैं ओवरसीज कलेक्शन जो है 44.35 करोड़ ऐड कर दूं एंड किसी का भाई किसी की जान 10 डेज में 166.16 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड कमा चुका। उम्मीद कर सकते हैं SKF एंड जी स्टूडियोज जो है कल इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल का पोस्टर है वो यहाँ पर रिलीज करें। अब गाइस बात करते हैं आज की मंडे की ऑक्यूपेंसी की। सुबह 7:30 था 7.5% ऑक्यूपेंसी, फ्राइडे वॉज 5.5, सैटरडे वॉज 6.5, यानी सैटरडे से ज्यादा है, लेकिन कलेक्शन सैटरडे से ज्यादा कितना आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइडे आफ्टरनून 9, सैटरडे आफ्टरनून 12, टुडे 14, मोर देन सैटरडे इवनिंग। बात करूं फ्राइडे 12, सैटरडे 14, आज 17 है, लेकिन क्या कलेक्शन सैटरडे से ज्यादा आएगा? सैटरडे जितना ही आएगा सैटरडे से ज्यादा शायद आ जाए, क्योंकि शोज जो है वो आज कम हुए हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी बढ़ी है गाइस यहाँ पे। ATP भी जो है एवरेज टिकट प्राइस वो बहुत कम कर दिया है। मुंबई में कल 471 शोज थे, आज सिर्फ 411 शोज है, बट ऑक्यूपेंसी 26 सेम एज संडे। सैटरडे सिर्फ 15% था। दिल्ली NCR कल 670 शोज है, आज 589 कर दिया, 12% ऑक्यूपेंसी। पुणे 158 से 147 शोज कर दिए बट ऑक्यूपेंसी 27। बात करो बेंगलुरु की, 127 से 111 कर दिया बट ऑक्यूपेंसी 22। बात करो हैदराबाद की, 106 से 100 शोज, 25% ऑक्यूपेंसी मोर देन सैटरडे। कोलकाता 155 से 150, 23% ऑक्यूपेंसी, सैटरडे को सिर्फ 16% था। अहमदाबाद 270 से 233 शोज, 12%। सूरत 164 से 134 शोज हैव बीन रिड्यूस्ड मैसिवली, 7% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 132 से 118, 15%। लखनऊ 179 से 167, 10%। एंड चेन्नई 14 से 13 क्या है, बट ऑक्यूपेंसी इज 45, सैटरडे 34 था। शोज कम हुए,
लेकिन ऑक्यूपेंसीज बढ़ी, इसी का कारण है कलेक्शन सैटरडे जितना ही आते हुए दिखाई दे रहा है। माय प्रेडिक्शन इज 3 से लेकर 3.10 करोड़, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे से ज्यादा आज ये मंडे को कमाते हुए दिखाई दे रहा है। सो गाइस, इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर किसी का भाई किसी की जान ऑन इट्स 11th डे इज 3 से लेकर 3.10 करोड़, एंड अगर ये 3.10 करोड़ कमाता है देन 11 दिनों में इसका इंडिया नेट जो है 104.91 करोड़ जो है वो चले जाएगा। ओके, इसका ग्रॉस होता है 125.71 करोड़। ओवरसीज अब ये शायद लाखों में कमाएगी। तो गाइज, आज का प्रेडिक्शन में ऑलमोस्ट 65 लाख दे रहा हूँ, तो गाइज 45 करोड़ जो है इसका ओवरसीज हो जाएगा, एंड वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 170 से 171 करोड़ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कल जी स्टूडियोज एंड सलमान खान फिल्म जो है इसका जो ओवरसीज एंड इंडिया कलेक्शन है उसका वर्ल्ड वाइड पोस्टर जो है वो रिलीज करे। सो अब गाइज, यहाँ से फिल्म जो है कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, बात कर उसके फ्राइडे कलेक्शन की, पॉज 2.25, कल इसे कैसे भी ज्यादा ड्रॉप ना दिखाते हुए 2 करोड़, उसके बाद वेडनेसडे 1.75 एंड थर्सडे 1.50 करोड़ कमाकर 5.25 करोड़ और कमाने हैं, यानी कि 2 हफ्ते में फिल्म 110 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, एंड इसका लाइफ टाइम कहीं ना कहीं 118 से 120 करोड़ जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी गाइस, कल से इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसी का भाई किसी की जान प्रतिदिन कितना पैसा कमाती है। 16 कंसेक्यूटिव फिल्म्स, सोलो फिल्म्स फॉर सलमान खान, अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनी एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। Raman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Until then, as always, say, stay cool, man.